न्यूज लाइव में मैं किरण आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइन पर। आसाराम की जमानत याचिका स्वीकार, शिल्पी पहले ही छूट चुकी है। इस बार यात्रियों को स्पेशल ट्रेन में तत्काल का ज्यादा देना होगा चार्ज, एससी ने फैसला रखा सुरक्षित। अब खबरें विस्तार से। राजस्थान हाई कोर्ट ने नाबालिग से उत्पीड़न के दोषी आसाराम के लिए थोड़ी राहत भरी खबर है। जोधपुर सेंट्रल जेल में सजा काट रहे कैदी आसाराम की हाई कोर्ट ने जमानत याचिका स्वीकार कर ली। त्योहारों पर लंबी प्रतीक्षा सूची और यात्रियों की सुविधा के नाम पर रेलवे प्रशासन द्वारा कई स्पेशल ट्रेनों की घोषणा की जाती है और चलाई भी जाती है। आरक्षित टिकटों को कैंसिल करने पर भी यात्रियों का अधिक नुकसान होना तय है। अवमानना मामले में मनोज तिवारी की पेशी, एससी ने फैसला रखा सुरक्षित। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी के खिलाफ अवमानना के आरोप पर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर हुई सीलिंग तोड़ने का आरोप। एमएनएस न्यूज में आज के लिए इतना ही। एमएनएस न्यूज लाइव देखने के लिए एमएनएस इंडिया प्ले स्टोर से आज ही डाउनलोड करें और हमारे एमएनएस न्यूज लाइव को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।